यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। तो आज हम फिर से खेल रहे GTA 5। तो पिछले वाले एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि फ्रैंकलिन ने मस्टैंग GT को परचेस करके उसको तगड़े तरीके से मॉडिफिकेशन किया। उस मॉडिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा खर्च आया था, इसीलिए अभी फ्रैंकलिन के पास कुछ भी पैसे बचे नहीं। तब भी प्रीमियर मोटर के ओनर ने कॉल करके बोला कि फ्रैंकलिन, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़ा मिशन है, तो जल्दी से मेरे प्रीमियर मोटर के ओनर, मतलब जो प्रीमियर मोटर का शॉप है ना, उसके पास जाना पड़ेगा हमें। तो भाई मस्टैंग GT वो भी हाईवे पे बहुत ही तगड़ी दिख रही है, और उसका मतलब जो टायर से फॉग आता है वो भी ब्लू कलर में हमने मॉडिफिकेशन किया है, और ब्लू कलर में मस्टैंग GT भी बहुत ही तगड़ी लग रही है। तो ये इस रोड से मतलब लगभग पास ही है प्रीमियर मोटर का शोरूम, तो ये रहा प्रीमियर मोटर का शोरूम। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी मस्टैंग GT को बहुत ही मतलब स्लोली तरीके से पार्क करेगी प्रीमियर मोटर के शॉप के बाहर। तो भाई बहुत ही तगड़ी ड्रिफ्ट दिए, तो लगभग हमने गाड़ी भी अंदर की साइड पार्क कर दिए क्योंकि कोई चोरी करके लेके नहीं जाए, इसलिए। और वो रहे प्रीमियर मोटर के ओनर जो कि गाड़ी में कुछ बात कर रहे। तो देखते ही मिशन हमारे लिए क्या है, तो सबसे पहले उसके पास जाते। तो भाई ये किसी से बात कर रहे हैं, मतलब गाड़ी के अंदर किसी से बात कर रहे हैं। भाई ओके, अभी देखते हैं बात क्या करते हैं। सबसे पहले तो भाई वो बोल रहा है कि उसकी शॉप से किसी ने तो मतलब गाड़ी लेके गए है, और उसकी मतलब जो होते है ना पेमेंट, वो तो की ने उस बंदे ने। तो हमें क्या करना है, उस मतलब जो गाड़ी प्रीमियर मोटर के मतलब जो प्रीमियर मोटर के शॉप से गाड़ी चोरी हो गई ना, उस गाड़ी को वापस लाना है हमें प्रीमियर मोटर के मतलब शोरूम में। तो यही है हमारा मिशन। तो प्रीमियर मोटर के ओनर ने हमें तो जो मैप दिया ना, उस मैप से हम चलते जल्दी से और मस्टैंग GT लेके बाहर जाएंगे आज। भाई ये कार तो बहुत ही मतलब रियल कार है, और देख रहे हो ना पूरे रास्ते पे मस्टैंग GT के एक भी कॉपीज नहीं, और ये कलर तो भाई ओपी लग रहा है। भगाते फुल स्पीड के अंदर, और मस्टैंग GT है हमारे पास, तो इसको स्लो लेके जाएंगे तो उसकी बेइज्जती हो सकती है, इसलिए हमें इसको बहुत ही तगड़े मोड़ पे मतलब बहुत ही ज्यादा भागना पड़ेगा। तो देखते सीमन का कॉल आया है और वो क्या बोलता है, तो सुनो बात उन लोग क्या होती है। You took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Okay. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we. भाई लगभग हम उस बंदे के घर के पास ही आ चुके हैं। गाड़ी भाई लगभग 100 के ऊपर गाड़ी भगा रहे हैं हम तो। भाई थोड़ी भी ठुकी ना गाड़ी तो बहुत ही बड़ा डेंट आ सकता है। और भाई कैसे बच के उसके घर के पास तो लेके आए, बट हमें तो चोरी करनी है गाड़ी, तो फ्रंट गेट से तो हम जा नहीं सकते। तो अभी भी देखेंगे अंदर जाने के लिए कुछ दूसरा रास्ता है क्या। तो सबसे पहले फ्रंट गेट में देखते हैं, क्योंकि जो खुलेगा ना मतलब फ्रंट गेट खोलना पड़ेगा। नहीं, फ्रंट गेट भी पूरा मतलब अंदर की साइड से लॉक है, तो इस गेट के ऊपर से जाना पड़ेगा हमें। तो इससे ऊपर छलांग मार के निकलते हैं। तो भाई सामने गार्ड देख रहे, टेक आउट द गार्ड, मतलब इसको तो टपकाना पड़ेगा। तो भाई चुप चुप के जाते और अपनी जो साइलेंट वेपन है जो इसके सर पे मारेगा ना, इस खून भी नहीं निकलेगा, सीधे बेहोश हो जाएगा। तो स्लोली स्लोली जाते, ये ले पट्टा साइड शॉट, इसे बोलते हैं फ्रैंकलिन शॉट। तो चलो गाइस, ये भी नॉक भी हो चुका है। अभी सबसे पहले हमें घर के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं गैरेज से अंदर जा सकते क्या हमें। तो भाई गैरेज भी लॉक है, दरवाजे से भी नहीं जा सकते क्योंकि वो भी लॉक हो सकता है। तो तभी भी ट्राई करेंगे कि दरवाजे से जाने की, देखते ट्राई करते। तो भाई ये भी दरवाजा भी लॉक है, तो हमें कुछ तो दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो भाई गाड़ी यहाँ पे खड़ी, हाँ भाई इसके ऊपर क्लाइम करके हमें जाना पड़ेगा। तो जल्दी से इसके ऊपर चढ़ते और फिर इस घर के ऊपर चढ़ते। भाई ये चिल्लाने की आवाज मुझे लगता है जो मतलब भाई बहुत ही ज्यादा मतलब कोई तो आ रहा है मुझे लगता है। हाँ भाई अवॉइड अलर्ट, मतलब हमें साइलेंटली जाना पड़ेगा अंदर। तो मुझे लगता है गैरेज के अंदर जाके हमें कार के अंदर बैठ के कार चुरानी। भाई देख रहे हो ना भाई कितनी बड़ी टीवी थी, और दोनों भी ऊपर के दरवाजे तो खुले और नीचे मुझे तो अभी कोई दिख भी नहीं रहा। भाई ये सामने फिर इन दोनों का कुछ तो चल रहा है, देखते। ओ भाई
ओके तो ये बैडमिंटन का कुछ पोज भी हो सकता है, वो सिखा रहा है। और ये रही हमारी गाड़ी जो हमें चोरी करके लेके जानी है। तो गाड़ी भी बहुत ही ओपी लग रही है, बट मस्टैंग जीटी हमें इस घर के पास ही रखनी पड़ेगी, मतलब बाहर पार्क ही ना उधर ही मस्टैंग जीटी को रखना पड़ेगा। तो टेक द कार ऑफ द डीलरशिप, मतलब हमें गाड़ी डीलरशिप के ओनर के पास लेके जानी है। तो गाड़ी हमारी मस्टैंग जीटी इसके घर के पास है, तो बाद में आएगा और गाड़ी को लेके जाएगा। तो अभी तो सबसे पहले गाड़ी लेके चलते हैं अपने डीलरशिप पे, और हमें पेमेंट भी मिलेगा डीलरशिप पे जाके। तो इस गाड़ी को जैसे ही देंगे वैसे ही हमें थोड़ा सा तो पेमेंट मिलेगा। आज तो मिशन हम फ्रैंकलिन अकेला कर रहे हैं। भाई ये क्या, भाई गाड़ी के अंदर कोई तो था। ओ भाई अबे इसने तो गन निकाल दी और वो फ्रैंकलिन के ऊपर एम करके बैठा है। अभी कुछ भी करके अभी इसकी बात माननी पड़ेगी, ये बोलेगा जहाँ पे जाना है उस जगह पे जाना पड़ेगा। तो अभी इन लोग की बातें चल रही, मुझे लगता है फ्रैंकलिन पूरी बात बता देगा कि कैसे कैसे, मतलब जो है ना प्रीमियर मोटर के ओनर ने जो फ्रैंकलिन को करने के लिए दिए ना पैसे, उसके लिए फ्रैंकलिन कर रहा है। तो मुझे लगता है सभी बता देगा फ्रैंकलिन। तो अभी वो बोल रहा है कि जल्दी से तुम्हें प्रीमियर मोटर के ओनर के पास जाना पड़ेगा, गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो अभी इधर से पास ही मुझे लगता है प्रीमियर मोटर का शॉप, तो लगभग हम ही आ ही चुके हैं उधर। तो गाइज इधर ही रोकनी है हमें। तो गाइज इन लोग की बातें हो रही है। ओके ओके भाई इसने गन पॉइंट फ्रैंकलिन के सिर के ऊपर लगाया है। तो ओके 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 तो भाई इन लोग की बातें चल रही है फ्रैंकलिन की, और जो ये बंदा है इसकी नाम भी नहीं पता हमें। तो हमें विंडो के अंदर से गाड़ी जंप करनी पड़ेगी। तो ये रहा प्रीमियर मोटर का ओनरशिप, तो इसकी ग्लास तोड़ के अंदर भाई क्या ही तगड़ी एंट्री थी भाई। और ये सीमान देख रहा है इसके, मतलब इसके बाल भी झड़े हुए हैं भाई, बहुत ही चिल्ला रहा है ज्यादा ही। तो अभी इसके गाड़ी पे भी बहुत बड़ा सा डेंट आया है, तो इसने तो हमें तो पैसे दिए, हमें तो क्या है सिर्फ पैसे कमाना है, इससे मिले या उससे। तो भाई ये भी कम्प्लीट हो गए, अभी इन दोनों के झगड़े चल रहे। बीट अप सीमान, अभी बचेगा ना मुझे लगता है सीमान। तो इन लोग के झगड़े होने थे, फ्रैंकलिन तो अपना निकल चुका है, इन लोग की फाइट बहुत ही ज्यादा। भाई साहब गाड़ी देख रहे हो ना, मर्सिडीज है अंदर ऑडी, बट इसके शॉप का तो इसने कीमा बना दिया फ्रैंकलिन से। तो भाई इसकी हालत भी बहुत थी, मतलब बुरी कर दी इन लोगों ने, तो मार मार के इसका थोपड़ा भी लाल कर दिया पूरा का पूरा। अभी ये क्या गाड़ी का दरवाजा लेके इसको इसके ऊपर पटक दिया इसने। तो भाई मुझे लगता है ये कैरेक्टर हमारा अनलॉक हो जाएगा। हाँ ओके भाई बगल पे दबा के मार रहा है भाई, बहुत ही गंदा कोट है सीमान को। तो अभी अगली बार ऐसे कुछ मतलब करेगा भी नहीं भाई, मुझे ये लगता है बहुत ही रिच बंदा है मुझे लगता है। ओ भाई की अभी बातें चल रही है, तो भाई पटक दिया उसको उसने नीचे, उसकी गाड़ी भी उधर ही रख दी। अभी जाएगा वो बाहर, देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है।